राणा ने विष दिया मानो मृत्यु पिया सनी धनी ध पद पग पगरे ग सर नि स धनी पद नि सा पद नि सा स नि सा स नि सा स नि सा रे नि सा स नि सा रे नि सा स नि सा ग सर नि सा स नि सा रे रे सा रे नि सा स नि सा ग ग सा रे नि सा रे नि सा नि सा ग ग रे म म ग प प म र र प नि नि ध स नि ध प नमस्कार है, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल पे जिसका नाम है गोपाल संगीत हारमोनियम के साथ सिंगिंग। ये लेशन पिछले कुछ दिनों से लगातार आप लोगों को मिल रहा है। तबला लेशन से शुरू किया था क्योंकि मैं जब संगीत सीखना शुरू किया था उस समय भी पहले तबला सीखा था, बाद में गायन सीखा था। बहुत सारे सिंगरों का, अच्छे सिंगरों का आप जब इतिहास उल्टा के देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि ताल का नॉलेज रहना एक सिंगर के लिए बहुत ही ज़रूरी है। सिंगिंग तब असरदार होता है जब आप ताल में हो, जब आपको पूरा ताल पे कंट्रोल हो। इसी वजह से मैं ताल का लेशन पहले दिया विधिवत। जो लोग नए हैं कृपया सब्सक्राइब कर लें, मैं आपके लिए लाता हूँ उस तरीका का वीडियो जो शायद YouTube पे बहुत कम मिलता है। मैं सर्च करता हूँ, किसी भी गीत को देखता हूँ, किस हिसाब का लेशन बना है, उसमें और क्या किया जा सकता था, तो मैं कोशिश करता हूँ कि इस तरीका से आप लोग को लाभ मिले। आज जिस सुपर हिट भजन के साथ हम आपके सामने हैं, ये गाना हर एक लोगों के लिए ख्वाब रहता है, सपना रहता है, और उसमें भी पूरे सरगम के साथ गाना। ये तो अगर 100 आदमी इसको गाते हैं तो उसमें से कोई एक आदमी ऐसे हैं, वो भी बहुत कम। मैं तो परसेंटेज में बता दिया, परसेंटेज में भी ऐसे लोग नहीं मिलेंगे आपको। गाते बहुत सारे लोग हैं लेकिन सरगम के साथ मिलते जुलते इफेक्ट के साथ कम लोग गाते हैं। तो इस पूरे भजन को देखेंगे, बड़ी इत्मीनान से देखेंगे, गौर से देखेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि दो जगह जो सरगम लिया गया है वो सरगम भी इंक्लूड करूं, साथ ही साथ जलोटा जी का जो थोड़ा बहुत इफेक्ट हम ला सकते हैं या आप लोग को बता सकते हैं उससे भी लाभान्वित आप लोगों को कराऊं। पूरा वीडियो देखिएगा, सब्सक्राइब तो कर ही लिए होंगे, नहीं किए होंगे तो कर लीजिए, थोड़ा शेयर कर दीजिए ताकि आपके दोस्त लोगों तक भी पहुँच जाए, इतना ज़रूर करिएगा। अगर आप चाहते हैं कि व्हाट्सएप से जुड़ के पर्सनली हेल्प लें तो नीचे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। छोटा सा कंडीशन है, पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, उसके लिए मिनिमम अमाउंट लाइफ टाइम के लिए 1000 रुपया है। बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, अगर आप चाहते हैं तो आप यहाँ मैसेज कर सकते हैं। आइए देख लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि ये जो भजन है ये राग मिश्र पीलू में है, काफ़ी थाट पे। बहुत सारे ऐसे होंगे हमारे सीखने वाले लोग जिनको मिश्र पीलू वगैरह की जानकारी नहीं होगी, तो घबराना नहीं है। जो जानकार लोग हैं मिश्र पीलू का प्रैक्टिस कर लेना है, बढ़िया से समझ में आ जाएगा। अगर नहीं हो रहा है मिश्र पीलू हायर क्लास का राग है, अगर नहीं हो पा रहा है तो काफ़ी राग का, काफ़ी थाट का, काफ़ी थाट में है तो काफ़ी, तो फर्स्ट ईयर का राग है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का, उसको कर लीजिएगा। उसमें भी कठिनाई अगर होती है तो आप व्हाट्सएप से जुड़िए, काफ़ी राग का नोटेशन आपको मिल जाएगा, आप गा के वहाँ भेज सकते हैं, पूछ सकते हैं, इसी हिसाब से आप बेहतर एक सिंगिंग कर सकते हैं। तो और ताल दादरा ताल में है, फास्ट दादरा ताल में। इस गीत के ऊपर मैं तबला का लेशन भी बनाया हुआ हूँ, उसका भी लिंक डाल दूंगा, ताल भी आप लोगों का मजबूत हो जाएगा। अब देखिए राग का इफेक्ट जो है, इस राग में और भी बहुत सारे गज़ल वगैरह हैं, बहुत सारे गीत वगैरह बने हुए हैं, मैं एक उदाहरण भी दूंगा आपको गज़ल का, लेकिन पहले ये देख लीजिए कि राग में लगने वाला। अभी मैं पहली काली से गा रहा हूँ, ओरिजिनल में जलोटा साहब ने गाया और दूसरी काली को साहब बना के गाया है, मैं पहली काली से गा रहा हूँ ताकि आप मेल फीमेल कोई भी लोग इसको इजीली गा सकते हैं। मैं जो स्वर नोट बताऊंगा उसको आप ढंग से देख लेंगे तो अपने वॉइस के हिसाब से किसी को भी आप सा बना के गा सकते हैं। पहली काली को अगर सा बनाते हैं तो सबसे पहले देखेंगे कि मुख्य नोट कौन कौन सा लगता है। मिश्र पीलू, पीलू का मतलब वो राग होता है कि हर एक स्वर का प्रयोग हो जाता है, लेकिन आप देखेंगे मुख्य स्वर कौन कौन सा है उसको देखेंगे और हर एक सरगम के साथ पूरे भजन को देखेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलने वाला है, ये मुझे उम्मीद है। यहाँ से सा रे क म प, यहाँ तक ये है, और उसके बाद यहाँ से जब आगे बढ़ेंगे तो कोमल ध है, ये भी लगेगा, शुद्ध ध भी लगेगा, कोमल नि भी लगता है, शुद्ध नि भी लगता है, और सा तो सा ही है। यहाँ से ऊपर आपको जाना नहीं है, यहीं तक रहने से काम चल जाएगा। अगर पहली काली से गाते हैं तो सा से ऊपर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
और उधर से लौटने फिर स्वर देख ले कौन कौन सा मुख्य स्वर, सा नी भी शुद्ध नहीं लगेगा, कोमल नहीं लगेगा, शुद्ध ध कोमल ध, प लगेगा ही, म ये कोमल लगता है, रे है, सा है। नीचे आते हैं तो इसी हिसाब का कंपोजिशन है, ये दोनों नी, दोनों ध और ये प, नीचे प तक यहाँ आना है। सबसे पहले शुरू का सरगम है, मैं स्क्रीन पे लिख के मिक्स कर दूंगा, आप लोग देख के उसको उतार लीजिएगा, गा लीजिएगा। शुरू से देखते हैं, बढ़िया से निकालिए कि कहीं भी गाइएगा तो लगेगा लोगों को भी कोई गाया है, जैसे तैसे नहीं गाना। स्टार्टिंग सरगम है सारे ग प ध नी ध प ध रे ग प ग रे ग ग, के बाद आगे बढ़ते रहेंगे इसी हिसाब से। फिर से सारे ग प ध नी ध प ग रे ग प ग रे ग ग ग रे ग प ग रे सा नी रे सा नी नी प नी रे म ध प ग रे म ग रे सारे नी धरे सा। ये स्टार्टिंग है, इसको जब इफेक्ट में अच्छा से तैयार कर लेंगे तो बहुत अच्छा गा सकते हैं। एक बार सोलो में इसको फिर से देख लीजिए, कारण ये बहुत कम लोगों से हो पाता है, ये एग्जैक्ट है, जैसा जो सरगम है एग्जैक्ट सरगम। फिर से एक बार सोलो में, फिर उसको किस इफेक्ट में गाना है ये फिर से मैं दिखाऊंगा। सारे ग प ध नी ध प ग रे ग प ग रे ग ग सारे ग प ग रे सा नी रे सा नी नी प नी रे म ध प ग रे म ग रे सा रे नी ध रे सा। कई जगह पे लाइव प्रोग्राम में जलोटा साहब इस सरगम को थोड़ा चेंज किए हैं, इफेक्ट वही है, थोड़ा बहुत चेंजिंग है, लेकिन ये सबसे ओल्ड है और सबसे पहला है जो बहुत ज़्यादा असरदार है। इसको जब गाएंगे तो थोड़ा तैयार करके तब गाना है। सारे ग ब ध नी ध प ग रे ग ब ग रे ग ग सारे ग ब ग रे सा नी रे सा नी नी प नी रे म ध प ग रे म ग रे सा रे नी ध रे सा। आगे बढ़ते हैं, दोहा है, दोहा भी बहुत सारे YouTube चैनल पे मैंने देखा है कि लोग बताए हैं, लेकिन क्या बोलूँ मैं कि बिगनर्स लोगों को गलत सलत चीज़ गलत इफेक्ट से बता देते हैं, वही लोग प्रैक्टिस करते रहते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा ढंग से आप देख लीजिए इस चीज़ को, मैं आराम आराम से गा रहा हूँ। है आँख वो, अब बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है आँख वो ऐसा कर, ये नहीं है, ये गला का काम है, यहाँ पे ध लगा के प में ही आना है। है आँख वो ध को सिर्फ कण ध का कण लग रहा है, आ जाना है पौ में। है आँख वो जो शाम का दर्शन किया करे, ये है आँख वो जो शाम का दर्शन किया करे, है शीश जो प्रभु चरण में प्रभु चरण में, हल्का गो लगा के आ जाना, बहुत सारे लोग टिके हुए हैं, मैंने देखा चैनल पे, अफसोस हुआ। है फिर से है आँख वो जो शाम का दर्शन किया करे, है शीश जो प्रभु चरण में वंदन किया करे, है शीश जो प्रभु चरण में वंदन किया करे। ये शुद्धनी से बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में। उसके बाद छोटा सा एक और असरदार चीज है यहाँ, उसको करना पड़ेगा गला से। बेकार वो मुख है, कह क्या था, ये है बेकार वो मुख है। अब इसको फास्ट में करेंगे तो इफेक्ट आएगा। बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में, मुख वो है जो
हरि नाम का सुमिरन किया करे। शुद्ध नहीं लेना है, स्केल ले लेना है, यहाँ से कोडिंग भी ले सकते हैं। लंबा खींचना है, जितना हो सकता है उतना ही खींचना है, क्योंकि जो साधना जितना रियाज किए हुए हैं हम लोग खींचते हैं तो लंबा लंबा खींच देते हैं। आपसे जितना हो पाएगा उतना करिएगा, फटना नहीं चाहिए आवाज। हीरे मोती, और एक चीज और थोड़ा सा इसमें ध्यान रखिएगा, बहुत सारे लोग को मैंने गाते हुए सुना जबरदस्ती जलोटा जी की तरह ऐसा करते हैं, हीरे मोती ये सब नहीं करना, ये सब गलत सिंगिंग का तरीका है। आपकी आवाज में जो चीज है स्ट्रेट फॉरवर्ड आवाज लग रहा है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ही लगाइए, जबरदस्ती का चीज नहीं करना है। हीरे मोती यहां पे जब इंड होने लगे तो मोती शोभा है हाथ की या शोभा नहीं है हाथ की, है हाथ जो भगवान का, भगवान का कीर्तन किया करे या वंदन किया करे, और मर कर भी अमर नाम है उस जीव का जग में प्रभु प्रेम। बहुत गलत तरीका से ये सब चीज को लोग बताते हैं, बहुत अच्छा इफेक्ट है। प्रभु प्रेम में बलिदान जो जीवन किया करे, इस हिसाब से आप इसको करें। अस्थाई और अंतरा भारी नहीं है, आगे का सरगम मैं दिखाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा अस्थाई अंतरा देख लीजिए। इसी राग में, सेम राग में चंदन दास जी का बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी एक गजल है। पास रह कर जुदा सी लगती है ऐसी लागी लगन, इसी साथ चलिए भजन देख लेते हैं, फिर कभी गजल का बनाऊंगा लेक्शन तो उसमें बनाऊंगा। कमेंट जरूर करते रहिएगा आप लोग, उससे एनर्जी मिलता है। यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से म्यूजिक ये कोड ले लीजिएगा, यहाँ से सागा पगा दादरा ताल में दादी ना दाती ना दादी ना दाती ना, ये उसके बाद इफेक्ट है, थोड़ा सा आवाज में करना है शुरुआत में। ऐसी लागी लगन ऐसी लागी लगन ऐसी लागी लगन लागी लागी रे लगन लागी लागी रे लगन लागी 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 रे लगन। अब भजन शुरू होता है, मेन रिदम का भजन। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। अब वो तो गली गली हरी गुण गाने लगी, कई तरीका से है, मैं एक आध तरीका बता देता हूँ। वो तो गली गली हरी गुण वो तो गली गली हरी गुण गाने लगी वो तो गली गली हरी गुण गुण गाने लगी ऐसी लगी लगन। इसी में और भी है, वो तो गली गली हरी गुण गाने लगी वो तो गली 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 हरी हरी गुण गाने लगी।
कई तरीका से है, ये सब इतना ही स्केल में खोज खोज के कर लेना है। आगे देख लेते हैं, सेकेंड स्टेंजा डायरेक्ट देखते हैं, कारण उसी में सरगम है और उसी सरगम को मेन रूप से सीखने की बात है। पहला सरगम जैसे तैसे लोग कर भी लेते हैं तो सेकेंड जो सरगम किया गया है वो नहीं हो पाता है। मैं कोशिश करूंगा कि आज इस हिसाब से आप लोगों को बता दूंगी, वो भी आप गा सकें इस हिसाब से। क्या है वो? राणा ने विष दिया। दोनों स्टेंजा की तरीका से है, थोड़ा बहुत इफेक्ट में चेंजिंग हो सकता है क्योंकि गायकी है जरोटा जी की, तो उसमें, लेकिन आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया। उसके बाद सनी धनी धपक, आराम से मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे सरगम है सनी, अब नी ही ध में आ जाता है, नी का उच्चारण करते हुए ध में सनी 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 नी ही आ जाता है, उसके बाद ध का सरगम सनी धनी धप धप ग प ग रे ग सा रे नी सा धनी प धनी सा। ये एक बार और देख लीजिए, पर इसको मैं दो पार्ट में बनाया हूँ, तीन पार्ट कर लीजिए तो और आसान हो जाए। तीन पार्ट इस सरगम को रखिए। पहला पार्ट सनी धनी धप धप ग प ग रे ग सा रे नी सा धनी प धनी सा, ये पहला पार्ट। सेकेंड पार्ट में आइए, प ध नी सा ससा नी सा ससा नी सा ससा नी सा, ये दूसरा पार्ट रखिए। क्या था ये? प चार बार है, प ध नी, ये प ध नी एक्स्ट्रा है सो प ध नी, और उसके बाद सेम चीज चार बार आपको रिपीट करना है। प ध नी सा ससा नी सा ससा नी सा ससा नी सा, प ध नी सा ससा नी सा ससा नी सा ससा नी सा, इसी हिसाब से। दूसरा पार्ट बाद में सभी को जोड़ के एक बार गा दूंगा। तीसरा पार्ट में आइए, तीसरा पार्ट में सरगम आप देख रहे हैं, उसको देख देख के रियाज कर लेना है, आसान नहीं है। गला के रियाज के लिए जिंदगी भर लाइफ टाइम इस सब चीज़ का रियाज करना चाहिए। सारे नी सा, ये पूरे लाइन को देखिए, पूरा लाइन में पहला पार्ट है सारे नी सा एक, नी सा रे नी सा दो, नी सा ग सा रे नी सा तीन, ये तीन तरीका का सरगम आपको मिलेगा। क्या क्या था? सा रे नी सा नी सा रे नी सा नी सा ग सा रे नी सा रे नी सा सा नी सा रे नी सा सा नी सा ग सा रे नी सा सा। जब भी सा आ रहा है लास्ट में तो सा को डबल कर सकते हैं। सारे नी सा सा नी सारे नी सा सा नी सा ग सारे नी सा सा, हर एक जगह सा रिपीट कर लीजिएगा। सारे नी सा सा, लेकिन वो सा सा बली फास्ट में आ रहा है, छोटा सा डबल सा रिपीट हो रहा है। सारे नी सा सा नी सारे नी सा सा नी सा ग सारे नी सा सा, इसी हिसाब से। ये हो गया आपका तीसरा लाइन। चौथा पंक्ति में चलिए, जो तमाम पंक्ति से थोड़ा सा टेढ़ा है, मतलब एक बार में उसको खत्म करना है, लेकिन धीरे धीरे देख लीजिए। नी सा रे रे नी सा, फिर से पहला पार्ट रखिए इसको। नी सा रे रे नी सा ग ग सा रे नी सा रे नी सा, इस हिसाब से लास्ट पंक्ति का फर्स्ट पार्ट, और उसके बाद एंड होगा। इसको फिर से देखिए, नी सा रे नी सा ग ग सा रे, फिर से नी सा रे नी सा ग ग सा रे नी सा रे नी सा ग ग रे मामा ग ग ग रे मामा ग प प म द ध प नी नी ध सा नी ध प राणा ने विष दिया। अब यहाँ आके ये खत्म होगा, पूरा एक बार में गाना याद कर लेना, ये बहुत जरूरी है। पूरा एक बार में हो जाए, लास्ट में ताल में मिल जाए, ताल में मिलने के लिए ताल का लेसन मैं डाल दूंगा, ताल कंट्रोल हो जाएगा तो ये इजीली गा सकता है। बहुत बार मैं मंच पे गाया हूँ, हो सकता है किसी भी मंच का अगर स्टेज प्रोग्राम का मेरा वीडियो होगा तो मैं क्लिप आपको डाल दूंगा उसमें। एक बार देख लीजिए इस सरगम को, पूरा एक साथ जब करेंगे तो किस हिसाब से करना है। राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया, सनी धनी धप धप ग प ग रे ग सा रे नी सा धनी प धनी सा, प
धनी राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया। मेरा सागर में सरिता समाने लगी, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ये भी एक इफेक्ट है। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसे एक इफेक्ट और यहाँ पे है। फिर से राणा ने, अच्छा वो एक चीज और आपको देखना पड़ेगा आगे, बन के जोगन चली उसमें भी इफेक्ट है, उसको ही मैं दिखा दूंगा। राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया, मेरा सागर में सरिता समाने लगी, वो तो गली 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 हरी हरी गुण गाने लगी। ये भी एक है। वो तो गली 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 हरी हरी गुण गाने लगी, ऐसी लगी लगन। इस हिसाब से एक जगह और आपको इफेक्ट मिलेगा। कोई रोके नहीं कोई टोके नहीं, कोई रोके नहीं कोई टोके नहीं, कोई रोके नहीं। तो ये सब चीज़ गला का काम है। थोड़ा सा स्थिर से दिखा देता हूँ एक बार और, रियाज जब करेंगे। मेरे पास बहुत सारा वीडियो है, मैं चाहूँगा आप लोग जुड़े मेरे साथ कि गला का रियाज कैसे किया जाए, गला में तमाम चीज़ कैसे है, हो जाएगा। कोई रोके नहीं कोई टोके नहीं, ये सिंपल है। उसके बाद कोई रोके नहीं कोई टोके नहीं, कोई रोके नहीं के कोई रोके नहीं, ये तो सिंपल था। कोई टोके नहीं कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं कोई रोके नहीं के नहीं। ताल में थोड़ा सा फास्ट करके वहां लेना पड़ेगा, हो जाएगा करते करते। और उसके बाद मेरा गोविंद गोपाल गाने लगी, इस हिसाब से इसका इफेक्ट। एक जगह और है, महलों में पली बनके जोगन चली, बनके जोगन चली बनके जोगन चली बनके जोगन चली बनके जोगन चली बनके जोगन चली। बन के जोगन जो ये जोगन चली हो, बन के जोगन चली बन के जोगन चली चली। जितना क्षमता उतना चली, बन के जोगन चली महलों में पली बनके जोगन चली, मेरा रानी दीवानी कहने लगी, ऐसी लगी। इस हिसाब से वीडियो लंबा ज़रूर हुआ, लेकिन मुझे लगता है कि आप लोगों को बेनिफिट होगा। कमेंट जरूर करेंगे, व्हाट्सएप से जुड़ने की इच्छा अगर हो तो रजिस्ट्रेशन जरूर कराएंगे। आइए मेरे साथ जुड़ के, मैं आपका दोस्त गोपाल हमेशा आपके साथ संगीत सफर के साथ रहूँगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।